व्यर्थ है यहाँ पे, क्योंकि अगर हर एक का नाम अगर लेना चाहूंगा तो मुझे बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मैं खाली खाली 11 लोगों का नाम ले सकता था क्रिकेट जब खेलता था, पर लेकिन अब 50 लोगों का नाम लेना बहुत मुश्किल होता मुझे, क्योंकि अगर मैं नाम लेते रहूंगा तो फिर मैं क्या बोलना है वो बोल नहीं सकूंगा। मैं आपका ये प्रोग्राम आत्मा गौरव दीक्षा जो लगा है, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए हमें कांग्रेस पार्टी ने प्रोग्राम लगाया गया है, और रेवंत रेड्डी साहब यहाँ है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का इंचार्ज भी हूँ, बट लेकिन मैं पीछे से कंट्रोल कर रहा था हर चीज, क्योंकि जो इंचार्ज होता है तो ऑलवेज पीछे से कंट्रोल करना चाहिए, तो सामने आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये हमने एक रूल बनाया था कि जो भी लोग सामने बैठेंगे वो SC ST के लोग बैठेंगे यहाँ पे, जिनके लिए ये प्रोग्राम किया गया उन लोग को ज्यादा से ज्यादा रेस्पेक्ट देना चाहिए, इसी वजह से मैंने रूल बनाया था कि जो भी सामने बैठेगा वो लोग जो यहाँ के रहने वाले और यहाँ के जो जिनके लिए प्रोग्राम कर रहा है उनके लिए कहते। मैं बहुत से लोग यहाँ पे आए बैठे हैं और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। यही आपसे करना चाहूंगा कि 2-3 मेरे इश्यूज है, पुण्य लक्ष्मी साहब से उतना तो ज्यादा मैं बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि मेरे 2-3 जो इश्यूज है, जो आपने देखा है कि जो अपने जो अभी जो इलेक्शन होने वाला है हुजूराबाद में, जो दलित लोगों के लिए 10 लाख रुपए जो दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब CM साहब यहाँ पे जो अपना विलेज अडॉप्ट किए, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ दिए नहीं, यहाँ तो विलेज जो अडॉप्टेड है उसका मैप भी नहीं है, वो विलेज का मैप भी नहीं है, और रायतु बंधु लोगों को, रायतु बंधु और रायतु भीमा का कोई प्रोग्राम आए, लास्ट 3 साल से यहाँ पे पूरे लॉसेस हो रहे हैं। तो यानी उन्होंने 2 बेडरूम के लिए कहा था, 3 एकड़ के लिए भी कहा था, यहाँ पे कोई भी अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग यहीं पे मेरे ख्याल में बहुत से लोग तो यहीं पे रहने वाले हैं, आपको तो पता है कोई भी काम नहीं हुआ, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी ने 1979 और 89 में ही घर दिए थे, उसके बाद कोई घर दिया नहीं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, और ये जितने भी इश्यूज है आप लोग को सबको पता है, फिर से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट अब कांग्रेस पार्टी की तरफ हवा चल चुकी है, तो ये अब जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अब हवा उसको कौन सी तरफ आप लाना चाह रहे हैं वो अपने पर है, तो हमको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। मैं जितने भी अपने यूथ के लोग हैं कांग्रेस के और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं यही कहूंगा कि रेवंत रेड्डी साहब एक बहुत होनहार नेता है, उन्होंने बहुत अभी तक हम लोग ने जितने भी प्रोग्राम किया है वो काफी माशाल्लाह से सक्सेसफुल हुए हैं, और बट हमको आगे भी ऐसे ही करना चाहिए, हम ये 2-3 प्रोग्राम में ही नहीं रुक सकते, क्योंकि अगर आपको आगे जीतना है इलेक्शन तो मेरे ख्याल में आपको जोर से काम करना पड़ेगा, और रेवंत रेड्डी साहब है, मैं उनके नेतृत्व में उनके अंडर में हम लोग सब काम करेंगे, उनको सब आगे जितना भी उनका साहब का रेवंत रेड्डी साहब का अगर आप हाथ मजबूत करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हाथ मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि सुबजने देखिए हम जो भी हमारे डिफरेंसेस होते हैं उसको बाजू रखना चाहिए। देखिए जब टीम जब भी अच्छा करती है जब आपके टीम में कोई डिफरेंसेस नहीं होते, जहां पे डिफरेंसेस आते वहां पे सब टीम प्रॉब्लम होता है। कोई भी यहाँ पे आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं पार्टी से ऊपर हूं, क्योंकि पार्टी हर बार ऊपर है, अब कभी रहेगी पार्टी 125-30 साल से आगे चल रही है, लोग आए और चले गए, अपना नाम बना के चले गए, तो हम भी यही चाहेंगे कि हम पार्टी के नीचे रह के पार्टी के अंडर रह के काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर हम सब मिलजुल के अगर काम करेंगे तो पार्टी आगे बढ़ेगी। तो मैं यही एक मिनट बाजा बजाने का टाइम नहीं है, దయచేసి డప్పు సోదరులు డప్పాపాలే తమ్ముడో మీ సమస్యల గురించే మాట్లాడుతురు, కొద్దిగా బ్యానర్ తీయండి, మాట్లాడిన తర్వాత అన్న చూస్తారు ప్లీజ్ దేఖియే ఏక్ చీజ్ కహనా చా రహా హూం యహాన్ పే క్యూంకి జో భీ లోగ్ బాత్ కర్తే హై ఠీక్ హై మై తో ఉత్నా మైండ్ నహీ కర్తా హూం పర్ లోగ్ దూసరే లోగ్ జో బాత్ కర్తే హై వో లోగ్ బహుత్ మైండ్ కర్తే హై తో మై ఆప్సే గుజారిష్ కర్తా హూం కి ఆప్ యే సబ్ యే జబ్ బాజా వజా జబ్ కోయి నహీ బాత్ కర్ రహా హై జబ్ బజాయేంగే తో బహుత్ అచ్చా రహేగా, क्योंकि एक डिसिप्लिन है, एक कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हर एक के लिए, किसी के एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप हम लोग फिर से कह रहा हूं अगर मिलजुल के काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को कोई पूरे तेलंगाना में क्या पूरे इंडिया में कोई भी हरा नहीं सकता, हमको फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने काफी ग्राउंड लूज कर दिया है, हम लोग काफी पीछे आगे हैं, बट लेकिन जहां से आए अब यहां से हम ऊपर ही जा सकते हैं, इसे नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि अलग जितने भी लोग हैं अपने जितने भी पार्टी
पार्टी के सीनियर लीडर थे और जो यंग लीडर थे, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, हर बार यही कहता हूं मैं, क्योंकि देखिए आगे बढ़ना है। क्योंकि एक चीज आपको कहना चाहूंगा, एज ए स्पोर्ट्समैन मैंने देखा है कि एक चीज बिल्कुल मैं देखा है कि स्पोर्ट्समैन हो, अगर आज हम लोग मैच हार गए तो कल भी खेल सकते हैं मैच, परसों भी खेल सकते, साल तमाम खेल सकते, मगर अगर हम इलेक्शन में हार गए हमको पांच साल तक, पांच साल हम कुछ भी नहीं कर सकते, खाली वो बोलने, खाली ऐसे ही ठहर के बात करने का। तो मैं इसे कहना चाहूंगा कि हम ये मैच जीतना है तो हम लोग को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। रेवंत रेड्डी साहब यहीं पे हैं तो मैं उनके नेतृत्व में जितने भी लोग हैं वो जो कहेंगे हमको उनके साथ मिलके काम करना पड़ेगा, उनके हाथ मजबूत करेंगे तो हमारी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, वरना तो फिर हम जहाँ के वहीं पे रह जाएंगे। तो मैं जितने भी यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, आप लोग यहाँ आए, ज्यादातर ऐसा लगता है कि जब भी मैं देखता हूँ कि जहाँ पर ज्यादा लेडीज आते हैं, जहाँ पे लेडीज ज्यादा आते हैं वहां पे लगता है कि हम हमारी जीत जरूर होगी, क्योंकि लेडीज का बाहर निकल के आना इतना आसान काम नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आए, ज्यादातर मेरे को आदमी लोग से तो ज्यादा लेडीज दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी लोग आए पे उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम जितने भी लोग ने इतनी मेहनत की उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपका भी एफर्ट है, आप लोग ने इतनी मेहनत की, तीन चार पांच दिन से आप लोग आ रहे हैं, रोज यहाँ पे देख रहे, तो मैं उनका बहुत बहुत, जितने भी लोग है यहाँ के लोकल लीडर थे जितने भी है उनको मैं इनका एहतराम करता हूँ। उनको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अच्छा काम करें, ऐसे ही काम करते रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, बट इन्हीं लफ्जों के साथ मैं बस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हवा चल रही तो हमारे तरफ ही आने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।